Hello guys, this is Osama and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the COA, Computer Organization and Architecture, the lecture number 2. So let's get started. First of all, we will see what hardware and software is overview. Obviously, when there is a computer, there are some hardware components and some software components from which the computer is developed. तो अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोग्राम की टाइप होती है जो कि डिज़ाइन की जाती है ताकि हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को और इसकी एप्लीकेशंस को रन कर सकें। अब सॉफ्टवेयर जो होता है आपको वो डिफरेंट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है, यूजफुल सर्विसेज जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, कंपाइलर्स हैं आपके, लोडर्स हैं और असेंबलर्स हैं आपके। ठीक है, बहुत से सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं बट टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सेंट्रल होते हैं हर कंप्यूटर के अंदर। अब हम अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, ओएस की बात करें, तो ये एक इंटरफेस होता है एक यूजर के दरमियान में, जैसे कि हम यूजर्स हैं, और हार्डवेयर के दरमियान में। और बहुत सी और वैरायटी ऑफ सर्विसेज और सुपरवाइजरी फंक्शंस के दरमियान में ये एक लिंक बना होता है। अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस, अगर हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस इसके देखें तो इसके फंक्शंस इंक्लूड होते हैं हैंडलिंग बेसिक इनपुट्स एंड आउटपुट ऑपरेशंस, जिसके अंदर इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को हम देखते हैं कि किस तरह उनको हैंडल करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह हैंडल करते हैं, और एलोकेट करता है स्टोरेज या मेमोरी, कितनी कितनी स्टोरेज या कितनी कितनी मेमोरी जो है वो इनको प्रोवाइड करनी है, ये भी इसका काम है। ठीक, ये प्रोवाइड करता है सर्विसेज फॉर प्रोटेक्टेड शेयरिंग ऑफ द कंप्यूटर अमंग मल्टीपल एप्लीकेशंस यूजिंग इट साइमल्टेनियसली। ये शेयरिंग को भी प्रोटेक्ट करता है, जो एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में आप मल्टीपल एप्लीकेशंस जो हैं साइमल्टेनियसली इस्तेमाल करते हैं। कुछ अगर एग्जांपल्स हम ले लें ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, तो लिनक्स, मैकिंटोश एंड विंडोज इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज्ड टुडे। सो नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम HLL टू हार्ड HW लैंग्वेज। अब जो हाई लेवल, जिसको HLL कहा जा रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज कहा जा रहा है, कंपाइलर जो होता है वो इसके लिए इस्तेमाल होता है। अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज स्टेटमेंट्स इनटू असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को जो असेंबली लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करता है उसको आप कंपाइलर कहते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो आपके पास असेंबलर है, ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो ट्रांसलेट करता है सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस टू बाइनरी वैल्यू। अब बाइनरी में कन्वर्ट करता है, 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ये असेंबलर का काम। ओके, एंड आई टोल्ड यू अर्लियर कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के अंदर क्या डिफरेंस है, मैंने एक वीडियो भी इस पर बनाई है, आप उसको देख लेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। ओके, अब अगर आप एक सिंप्लीफाइड व्यू देखें कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो हार्डवेयर एक कोर होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इसको सराउंड कर रही होती है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सराउंड कर रही होती है, और इनका इंटरेक्शन जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर के साथ, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही मदद से हो सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल है जिस तरह हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है, और फिर असेंबली लैंग्वेज को ये कंपाइलर कर रहा है, फिर असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा रहा है, वो असेंबलर कर रहा है, कंपाइलर कर रहा है और ये असेंबलर कर रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं एग्जाम्पल इसकी। ओके, नेक्स्ट वी हैव द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसको HLL कहा जाता है। ये पोर्टेबल लैंग्वेज होती है, जिस जहां मर्जी आप इसको यूटिलाइज कर लें, आप C++, जावा आपके पास हो गया, आपके पास विजुअल बेसिक हो गया, ये सारी की सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि कुछ वर्ड्स और अलजेब्रिक नोटेशंस के साथ मिलके बनी हुई हैं, और ये ट्रांसलेट हो जाती हैं कंपाइलर से इनटू असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, अगर आप इसके कुछ एडवांटेजेस देख लें, इसकी अहमियत अगर देख लें, तो ये अलाउ करते हैं प्रोग्रामर को कि वो नेचुरल लैंग्वेजेस के बारे में उसके बारे में सोच सकें इंग्लिश वर्ड्स के इस्तेमाल करते हुए, लाइक वी हैव आउट, सी आउट और सी इन। ठीक है, आउट मींस हमने उसको प्रिंट कर देना है, ठीक है, सी इन हमने कोई चीज़ एंटर करनी है या हमने लेनी है। ठीक है, तो ये कुछ नेचुरल लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हुए ये प्रोग्रामर को आसानी देती है। अगर फोर्ट्रन की मिसाल हम ले लें, साइंटिफिक कंप्यूटेशंस, कोबाल जो बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, सो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। सेकेंड एडवांटेज इसका ये है कि ये प्रोग्रामर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, उसके काम करने के वीक को इंक्रीज कर देते हैं, और जो फाइनल एडवांटेज इसका ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कि ये प्रोग्राम अलाउ करते हैं कंप्यूटर को
इंडिपेंड अलाउ करते हैं प्रोग्राम्स को टू बी इंडिपेंडेंट टू कंप्यूटर ऑन विच दे आर डेवलप्ड, किसी भी कंप्यूटर के ऊपर ये इंडिपेंडेंटली रन आउट हो सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि डिजाइन होते हैं कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के. यूजर जैसे कि डेटाबेस प्रोग्राम्स हैं, ये वेब ब्राउजर्स हैं, ठीक है, अपना इनका कोई इस्तेमाल होता है मेन जो यूटिलाइज करते हुए हम इनको यूज कर सकते हैं. डिफरेंट एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑफिस जो है, सारी एप्लीकेशन है. प्रोडक्टिविटी और बिजनेस टूल्स के तौर पर हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द मतलब व्हाट इज द पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर्स इन इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक टर्म्स. अब जो साइंटिफिक इंजीनियरिंग टर्म्स के हम अगर एग्जांपल लें तो इनके जो ये जो इनमें सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सेटिस्फाई करते हैं साइंटिफिक और इंजीनियरिंग यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स को. एंटरप्राइज स्पेसिफिक टास्क वो मुकम्मल करते हैं. मैटलैब भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है. और डेवलपर जो डेवलपर्स ऑफ साइंटिफिक सॉफ्टवेयर रेंजिंग फ्रॉम साइंटिस्ट हु डू नॉट पजेसेस एनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लाइक साइंटिस्ट को भी अकॉम्प्लिश करते हैं, आम यूजर को भी अकॉम्प्लिश करते हैं, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को भी, और उनको इंजीनियरिंग का नॉलेज से आशना करवाते हैं. कुछ आपके पास एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं. एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स क्या होंगे जो कि मखसूस एक ही काम करेंगे. जैसे कि आपके पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो उसके अंदर एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डाल दिया गया है जिसने सिर्फ वॉशिंग मशीन का ही काम करना है. आपके पास माइक्रोवेव ओवन्स हैं, ठीक है. तो कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे भी होते हैं जो कि अपना एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं. Embedded software can perform limited and historic functions. कुछ थोड़े से functions होंगे वही perform करेगा. Automobiles के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं fuel control करने के लिए, dashboard displays के लिए, braking systems के लिए. तो ये सारे के सारे embedded systems में शुमार होते हैं. अब product line softwares भी आपके पास होते हैं जो कि आपके for example आप grocery shop पे जाते हैं तो inventory control product system जो होते हैं वो भी product line software में आ जाते हैं, जिसके अंदर capability होती है कि वो बहुत से customers उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत से शॉप ऑनर्स उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये भी एक लिमिटेड मार्केट प्लेस को एनकाउंटर करता है और उस पर फोकस करता है. कुछ आपके पास वेब मोबाइल एप्लीकेशंस भी होती हैं. अब वेब मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर आपके पास व्हाट्सएप, व्हाट्सएप इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ वेब मोबाइल एप्लीकेशन. फेसबुक है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है. कुछ ये डिवाइसेज, कुछ ये एप्लीकेशन भी हैं जो कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि मोबाइल्स के ऊपर, मोबाइल्स की नेटिव एप्लीकेशन ये होती हैं, और किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको डिप्लाई करके हम इसको रन आउट कर सकते हैं. और एट द एंड वी हैव द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर्स. वो सॉफ्टवेयर जो कि जिनके पास कोई इंटेलिजेंट बिहेवियर हो, जो खुद ब खुद कर सकें कोई काम, मीन्स टू से इसमें रोबोटिक्स आ जाएंगे. या आपने देखा होगा उसकी एग्जाम्पल ये होती है कि अगर आप किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चले जाएँ तो उधर जो गाड़ियों को पेंट किया जाता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स ही पेंट करते हैं, ठीक है. और बहुत सी और भी हैं, थ्योरम प्रूविंग, गेम प्लेइंग, और अब तो ऑपरेशंस के अंदर भी रोबोट्स जो हैं वो ऑपरेशंस कर रहे हैं. तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं ये एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल किया जाता है, एल्गोस का इस्तेमाल किया जाता है, कंपटीशंस का इस्तेमाल किया जाता है. सो दैट इज ऑल अबाउट सेकेंड चैप्टर. अगर हम जनरेशंस की बात कर लें वो भी हमने इसमें इंक्लूड करना है. इसमें आपके पास जनरेशन सिंपली ये है कि कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के अंदर की जो टेक्नोलॉजी है वो किस किस तरह चेंज होती गई और किस तरह एडवांसमेंट आती गई, ठीक है. हम फर्स्ट जनरेशन को, सेकंड जनरेशन को, थर्ड जनरेशन को, फोर्थ जनरेशन को और फिफ्थ जनरेशन को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे इसके अंदर. और फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम बेस्ड ट्यूब्स थी, सेकेंड में ट्रांजिस्टर बेस्ड आ गई, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स सर्किट बेस्ड आ गई चिप्स आ गई, फोर्थ में VLSI आ गई माइक्रो प्रोसेसर आ गए, और फिफ्थ में फाइनली हमारे पास ULSI माइक्रो प्रोसेसर भी आ गए. इन स्लाइड्स का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा आपकी कन्वीनियंस के लिए, आप इसको थोरली रीड आउट कर सकते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. I have posted this lecture link and my handwritten notes and slide links in the description below. Have a good day.